हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिसमें आज एक्शन था, ड्रामा था, ट्रेजेडी थी, सब इमोशंस थे। उसके अलावा कंपनी के ओर से, प्रोमोटर्स के ओर से कुछ कहना आया है, प्रोमोटर्स ने कुछ कहा है जवाब में सेबी के पेनल्टी के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ आज आपको, और आज ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टोरी में, पिक्चर में क्या क्या हुआ वो भी बताऊँगा। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पोर्टफोलियो को हम लोग रखेंगे प्रॉफिट में। हमारे पास काफ़ी पोर्टफोलियो आ रहे हैं, उनमें ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, किसमें 20%, किसमें 30%, किसमें 10%, वो तो लगातार उनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए भी आप दे सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आपको एडवांस में कोई फीस देना नहीं है, जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज आपको देना होता है प्रॉफिट होने के बाद। फ्रेंड्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप में। आज लो लगाया था 24 रुपीज़ 70 पैसे का और हाई लगाया 27 रुपीज़ 30 पैसा। आज काफ़ी देखिए, मॉर्निंग में जो जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा था, मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाला था, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आया कि थैंक यू, आपने हमको समझाया था कैसे हैंडल करना है, इसीलिए हमने आज बेचा नहीं। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा था उन्होंने ऐसा भी मैसेज किया कि सर मैंने गलती से बेच दिया, आप क्या करूँ। तो ये जो गड़बड़ हो जाती है, मैंने क्लियर कट बताया था मॉर्निंग में कि जल्दी वीडियो बनाकर, कल रात को भी लेट वीडियो बनाकर डाला था कि आप बाइंग सेलिंग साइड देखते रहिए, घबराइए मत, और जैसे ही बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे बाय कर लीजिए या सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही काफ़ी लोगों ने किया जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जिसलिए उनको नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोगों ने पैनिक में बेच दिया, बाद में उनको पता चला कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये चलते रहता है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा शेयर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। बट इसीलिए मैंने आपको पूरा समझा दिया था कैसे करना है सिचुएशन को हैंडल। और आज तो काफ़ी, एक बार तो लोअर सर्किट में चला गया था, सब लोग घबरा गए थे, फिर से उड़ गया आज। और इसमें फ्रेंड्स, कभी कभी प्रोमोटर ऑपरेटर्स लोग भी हमें हेल्प कर जाते हैं, कभी कभी ऑपरेटर हरदम खराबा करते, ऐसा नहीं है, ऑपरेटर लोग कभी कभी फ़ायदा भी कर जाते हैं हमारा। अब आप सोचेंगे ऑपरेटर को मैं थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ। यस, टुडे हमें थैंक यू बोलना चाहिए ऑपरेटर्स लोगों को, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते आज तो शेयर उठता नहीं था। जो पैनिक में सेलिंग चल रही थी मॉर्निंग में, तो उस माल को ऑपरेटर लोगों ने उठाया, नीचे से उठाया, और नीचे से वो बाइंग करते गए, और जैसे ही अपर सर्किट लगा उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू किया। आपको याद होगा, जिन लोगों ने मॉर्निंग में देखा होगा, बीच बीच में अचानक सेलिंग आ रही थी, तो आप सोच रहे होंगे अरे कौन पागल है जो अपर सर्किट में बेच रहा है। तो पागल कोई नहीं, ऑपरेटर लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने नीचे से उठाया, लोअर सर्किट लग गया, उन्होंने 24 रुपीज़ 70 पैसे से 25 रुपये से उठाया, उठाने के बाद उठाते गए, फिर से रिटेलर लोगों को लगा अरे भाई ये तो भाग रहा है ऊपर, फिर लोगों ने बाइंग शुरू कर दिया। अपर सर्किट लगा, अपर सर्किट लगने के बाद ऑपरेटर लोग जो नीचे से माल उठाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं वो लोग, मतलब एक ही दिन में उनको तो प्रॉफिट से मतलब होता है। अब आप कहेंगे ASM स्टेज 4 में चला गया तो इसमें इंट्राडे कैसे हुआ, बाइंग करने के बाद सेलिंग कैसे हुई। यस, ASM स्टेज 4 में चला गया है, बट T+2 में फ्राइडे से जाएगा, मतलब फ्राइडे से ये इसके आगे भी देखो। आज आपने देखा होगा कि बी लिख के आया नहीं था ब्राइटकॉम ग्रुप के सामने, BE लिखा हुआ नहीं था, बी लिखा हुआ आएगा जब आप समझ जाना कि आप आज लोगे तो आप आज बेच नहीं पाओगे। तो इसीलिए आज ऑपरेटर लोगों ने ब्राइटकॉम ग्रुप को बचाया प्रैक्टिकली, या तो रिटेलर लोग पैनिक में बेच रहे थे बट उन्होंने नीचे से उठाया, बाइंग शुरू कर दी, जिसके कारण फिर से, क्योंकि देखिए सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको मैं, आज का डिलीवरी परसेंटेज है सिर्फ एंड सिर्फ 37.50%, 37.50% का डिलीवरी पर है आज। तो ये डिलीवरी इतनी कम क्यों है, क्योंकि ऑपरेटर लोगों ने नीचे से उठाया और ऊपर जाकर बेच दिया, उन्होंने एक ही दिन में करोड़ों रुपये कमा लिए। कैसे कमा लिए, क्योंकि आज का जो वॉल्यूम था ANSE पर 6.52 करोड़ शेयर्स और BSE पर 2.35 करोड़ शेयर्स, अराउंड 9 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हुए, उसमें से सिर्फ 37-38% समझ लो आप आज डिलीवरी उठाई गई है, तो बाकी का जो था ऑपरेटर लोगों ने नीचे से उठाया और ऊपर बेच दिया। तो इसीलिए
कोई बात नहीं, ये चलता है। कभी कभी ऑपरेटर लोग हमारी हेल्प ही कर देते हैं, जिसके कारण शेयर आज गिरने से बच गया। और एक बार ऊपर जाने के बाद फिर तो सब लोग टूट पड़े बाय करने के लिए, और अपर सर्किट लगा। बट ये जो ड्रामा चल रहा था, आधे घंटा चल रहा था, उसके बाद में अपर सर्किट लगा तो टूटा नहीं। बट बीच बीच में जो टूट रहा था अपर सर्किट से, तो ये ऑपरेटर लोग थे जो बीच बीच में सेलिंग कर रहे थे अपर सर्किट लगने के बाद, और अपना पैसा फ्री कर रहे थे। उन लोगों को कोई लेना देना होता नहीं है, उनको रोलिंग घुमाते रहना होता है। आप सोचोगे कि वो क्यों बेचते हैं, उनको जब मालूम है आगे बढ़ने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। उनके लिए कोई ये लालच नहीं होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते ऑपरेटर लोग। उनको आज एक ही दिन में एक शेयर के पीछे एक रुपया, दो रुपया, पचास पैसे, ढाई रुपया मिल गया, बहुत हो गया उनके लिए, करोड़ों रुपये कमा लेते उसी में वो लोग। तो इसीलिए आज देखा जाए तो ऑपरेटर लोगों ने बचा लिया, और काफ़ी निगेटिव बात थी एक्चुअली। पेनल्टी लगी मैनेजमेंट की ओर, ऊपर लगी मैनेजमेंट पे, कंपनी पे पेनल्टी लगी। तो मैंने आपको कहा था कि इसका फ़ायदा ऑपरेटर लोग ज़रूर उठाएंगे, और उन्होंने फ़ायदा उठाया, मतलब नीचे से शेयर को उठाया, ऊपर जाके बेच दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया इस पैनिक के सिचुएशन में। अब एक छोटा सा हर्डल है 27.60 रुपये का, 200 DMA का रेजिस्टेंस, उससे एकदम पास में है। कल अपर सर्किट लगा तो उसको क्रॉस कर जाएगा, ऐसा लग तो रहा है कल अपर क्रॉस कर देगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। मार्केट में इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लोगों को मालूम था पेनल्टी लगी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेनल्टी काफ़ी डायरेक्टर्स पर, प्रोमोटर्स पर लगती है कोई कोई कारण से, तो उससे वो कंपनी ख़राब नहीं हो जाती है, और इसीलिए लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके कारण ही आज अपर सर्किट लगने को देखने को मिला हम लोगों को। बट 27.60 रुपये को क्रॉस करेगा तो फिर 32 रुपीज़, 36 रुपीज़, 40 रुपीज़, 44 रुपीज़, ऐसे अलग अलग लेवल है, स्टेप बाय स्टेप उसको क्रॉस करेगा धीरे धीरे। टेंशन मत लीजिए, शांति से बैठिए। पैनिक होके काफ़ी लोगों ने आज बेचा माल, क्योंकि लोगों को काफ़ी लोग लग रहा था कि आज गिरेगा गिरेगा, और इसीलिए काफ़ी लोगों ने बेचा भी होगा, और काफ़ी लोगों ने आज ख़रीदा भी स्मार्टली। जैसे शेयर में फिर से बाइंग शुरू हो गई तो काफ़ी लोगों ने नीचे से लेवल से उन्होंने भी बाय किया है। आज ही काफ़ी लोगों को एक ही दिन में 4-5%, 6% प्रॉफिट हुआ है। अब प्रमोटर्स ने जो नोटिस सेबी की आई थी पेनल्टी की, उस पर आज ही जवाब दिया उन्होंने 14 तारीख को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आया था जवाब। उसमें जो है कंपनी की ओर से कहा गया है कि हमको नोटिस मिली है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं, वी विल टेक लीगल एडवाइस वगैरह। इन शॉर्ट देखिए ऐसा है, घुमा घुमा के प्रमोटर्स ने अल्टीमेटली मान लिया है कि भाई हाँ हमको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सो बात की एक बात, देखिए प्रमोटर्स ने इस नोटिफिकेशन में क्या कहा है कि भाई हमें नोटिस मिली है, हम लीगल एक्सपर्ट्स की सलाह लेंगे, बट हम लोग जो भी हो सेबी के रूलों का पालन करके कॉम्प्लायंस करेंगे। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने घुमा के ऐसा बताया इन्वेस्टर लोगों को कि हमने कुछ गलती नहीं की है, हमने कोई चोरी नहीं की है, और हम लीगल एडवाइस लेंगे, बट हम लोग सेबी का जो भी कहना मानेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है आखिरी में कि हम लोग कमिट करते हैं शेयर होल्डर को कि हम पे विश्वास करो, हम लोग फ्यूचर में कोई भी चीज़ की गलती नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने यही कहा कि भाई हाँ ठीक है, इन शॉर्ट वो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हाँ हमने चोरी की या हमने गलती की या हमने शेयर्स बेच दिए। उन्होंने घुमा घुमा के इस नोटिफिकेशन में इतना ही कहा है कि हमें नोटिस मिली, वो हम साथ में जोड़ रहे हैं जो कि नोटिस हमको आई पेनल्टी की, और हमें पेनल्टी लगी है, हम लोग लीगल एडवाइस लेंगे, जो होता है कायदे कानून के जो पंडित होते हैं उनसे बात करेंगे, और जो भी होता है कॉम्प्लायंस सेबी के हिसाब से करेंगे, मतलब वो पेनल्टी भर देंगे मोस्टली। और दूसरी बात, भविष्य में हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हम लोग अश्योर करते हैं स्टेक होल्डर्स को, ऐसा प्रोमोटर्स की ओर से कहा गया है नोटिफिकेशन में। तो ये चलो ये अच्छी बात है, ये मॉर्निंग में मार्केट खुलने के पहले ही यह नोटिफिकेशन आ गया था, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिला। लोग खुश हो गए कि चलो प्रोमोटर्स ने इस बार तुरंत जवाब दिया, डरे नहीं वो। तो ये जो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टर्स लोगों में, जो बैटकॉम ग्रुप फटाफट सब जवाब दे रही है या मान रही है अपनी गलती को, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ऐसा सोचकर हम लोग अभी माफ़ कर रहे हैं प्रोमोटर्स को, और आशा करते हैं कि आगे से वो ऐसी गलती ना करें। उन्होंने एक बात समझना चाहिए, उनके भरोसे पे करोड़ों रुपये लगे हुए लाखों इन्वेस्टर्स लोगों के, जिसमें काफ़ी छोटे छोटे लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, जो कि 5,000 से लेकर 50,000 रुपये लगा के बैठे होते इस आशा में कि शेयर से कमाएंगे। तो ऐसे लोगों का भी पूरा भविष्य पर निर्भर होता है, इस बात का भी मैनेजमेंट ने ध्यान रखना चाहिए। ऐसे झोल झाल भविष्य में करना नहीं चाहिए, जिसके कारण
करोड़ों रुपए का नुकसान या लाखों रुपए का नुकसान या हज़ारों रुपए का नुकसान हमारे सब रिटेल इन्वेस्टर भाइयों का और बहनों का हो। तो आशा करते हैं कि अब ये सिलसिला चलता रहे अपर सर्किट का। कल देखना यह है, सेल ऑफ ज़्यादा आना नहीं चाहिए, कल वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो हम समझेंगे कि सबको समझ में आ गया है कि बेचना नहीं है। हालांकि आज का दिन तो ऑपरेटर लोगों ने बचा लिया, आज इंट्राडे अगर नहीं होता था तो डेफिनेटली लोअर सर्किट लग जाता था, बट आज इंट्राडे अलाउड था। आज से इंट्राडे बंद नहीं हुआ था, परसों से होगा वो, उसी के कारण आज जो ऑपरेटर लोग हैं उन्होंने नीचे से माल उठाया, इसलिए लोअर सर्किट नहीं लगा। नहीं तो मॉर्निंग में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लोअर सर्किट लग भी चुका था, बट वहाँ से उठाया ऑपरेटर लोगों ने, जिसके कारण आज अपर सर्किट लगने में हेल्प हुई है। सो फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग थैंक यू ऑपरेटर्स, जिसके कारण आज बैटकॉम ग्रुप की जान बच गई। रिटेलर लोगों का जो भरोसा था ये तो टूट जाता था, घबरा जाते थे लोग और काफ़ी नुकसान हो जाता था सब लोगों का। बट लेट्स होप कि सब बातें ख़त्म हो गई, अभी कल से फिर से अपर सर्किट का सिलसिला शुरू रहेगा और हमें फिर से आशा करते हैं कि अभी आने वाले दिनों में ही 40-50 रुपीज़ के लेवल बैटकॉम ग्रुप का शेयर दिखा देगा। थैंक यू फ्रेंड्स।